चाहता हूँ, मैं अपने देवर को खाना खिला कर मैं घर आ रही हूँ। और मैं देख चल रही हूँ, देख रहे हैं मैं मेरे ननद क्या करे क्या नहीं, मैं उससे बात जरूर करूंगी। मैं बॉम्बे शहर से मैं सीधा घर चला रहा हूँ। मैं सोचा कि चल रहा हूँ, सबसे पहले बिजली से मुलाकात करूंगा, उसके बाद अपने बच्चे को अपने सीने से लगाऊंगा। ये पहले बता, तू कहाँ चली जा रही है? कुछ नहीं स्वामी जी, कुछ नहीं, कहीं नहीं मैं जा रही हूँ। लेकिन तुम बहुत घबराई सी लग रही हो, ये पहले बता मेरा मुन्ना कैसा है? स्वामी जी मुन्ना तो ठीक है, लेकिन मैं खुशी के मारे मैं घर जा रही थी। अगर मुन्ना ठीक है तो लव मेरे मुन्ने को, मैं अपने सबसे पहले इतने दिनों के बाद आ रहा हूँ, मुन्ने को देखूंगा, उसे अपने सीने से लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे खून का बच्चा है, वो मेरे घर का नाम रोशन करेगा। लव मेरे बच्चे को। मैं मुन्ना को नहीं दूंगी, बिजली ये पहले बता, जितना बच्चे का अधिकार तेरे ऊपर है तो उतना अधिकार मेरा भी है। मेरे खून का बच्चा है, सबसे पहले तो मेरे मुन्ने को मेरे हाथ में दे, सबसे पहले उसे मैं खिलाऊंगा दुलारूंगा, उसे अपने सीने से लगाऊंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे का खून
ये हराम खोरी, अगर इस बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती थी तो मुझे फोन करके बता देती, मैं स्वयं वहां से चला आता अपने बच्चे को, मैं उसे अपने हवाले कर लेता। लेकिन मेरे बच्चे को मार करके बिजली तुमने क्या किया? जब तू मेरे बच्चे को पाल नहीं सकती थी तो फोन करके मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर देती। हरामजादिन कुतिया, मेरे बच्चे को अगर पाल नहीं सकी तो मुझे फोन करके बुलाई भी नहीं। मैं अभी पुलिस स्टेशन में फोन करता हूँ और पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ करके ले जाएगी, जब मार पड़ेगी तब तू बताएगी। तू बच्चे को यहां से लेकर के जाना चाहती है, मैं तुझे बच्चे नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन में फोन करता हूं, जब तेरे ऊपर मार पड़ेगी तब तू बताएगी असलियत की बच्चे का खून मैंने किया या दूसरा कोई। हेलो हेलो
हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बीनापुर थाने में फोन लगाया हूँ। हाँ हाँ बोलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं इस थाने का इंचार्ज बोल रहा हूँ। बोलो। विजय इंस्पेक्टर जी? हाँ। आप तत्काल आइए, मेरे बच्चे का खून हो गया है और खून करने वाली दूसरी कोई नहीं हाँ बल्कि मेरी पत्नी है जो कि मेरे पास में है। ये बताओ आना कहाँ है? विनयपुर। ठीक है, आप तत्काल आइए साहब। देखना मुजरिम भागने ना पाए, वहीं पे रुको, हम लोग आ रहे हैं। ओ आ नहीं, आप तत्काल आइए, नहीं भाग भी सकती है, मैं इसको। ठीक है ठीक है, रखा हूँ। ठीक है फोन रखो, मैं तत्काल आ रहा हूँ। आप यहीं पे रहिए, पहले मैं पता करता हूँ, मैं यहाँ का मुआयना करता हूँ कि कौन फोन किया। अबे चुप रहो ना, तुमको साले नैनी भेज देंगे। हाथ खड़ी लगा के एक बार अंदर करूंगा, दोबारा निकालना भूल जाऊंगा। इधर आ, इधर आ। अबे इधर आ, देख क्या रहा है। आप कौन है? मैं छेवकी दाल हूँ। थाने में छेवकी दाल हो रहा थी क्या भैया? अबे थाने में नहीं तो क्या साले पवाने में रहेंगे? अरे चौकीदार बोलो। चौकीदार हूँ बे। ये बता, अभी तुमने थाने पे फोन किया था? अबे चौकीदार क्यों बेइज्जती करा रहा है? हमका लगा था धाम सच के तरह चला या सीधा। हम पुलिस वालों को तुमने बुलाया? पुलिस वाले? हाँ चौकीदार साहब, मैंने ही फोन किया था। ये बता बात क्या है, बात क्या, जल्दी बता। अरे मेरी पत्नी जो है मेरे बच्चे का खून कर दिया है, उसे मैं अपने गिरफ्त में रखा हूँ। देखो ये सामने बैठी हुई है मनहूस शकल लेकर। यही है? हाँ यही है। चल चल दूर हट, हट साहब। अभी थोड़ा ये लोग को हड़काऊंगा नहीं ना, तो ये लोग कैसे समझेंगे कि पुलिस वाले कड़क होते हैं। आप इधर आइए। क्या जानकारी लिया? जानकारी सब ले लिया साहब, जो बच्चे का खून हुआ है ना, यही है खून, मुजरिम यही है, यही पर है। क्या कहा चौकीदार? बच्चे का खून करने वाली यही औरत है? पहले मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ। इतनी औरत है, मैं लाश को पोस्टमार्टम भेज के आता हूँ, तब तेरी खबर लेता। है औरत? देखो मैं तुमसे जितनी बात पूछूंगा साफ साफ बताना मुझे। ये बता आखिर बच्चे का खून तूने क्यों किया? साहब आप पूछ रहे हैं बच्चे का खून किसने किया है, क्यों किया है? साहब मैं बच्चे के खून मैंने नहीं किया है। क्या कहा तूने बच्चे का खून नहीं किया है? मेरी बात सुनो। तगड़ी
साई औरत है साथ साथ पता मैंने अरे साहब आप चौकीदारी हाथ ही पकड़ लिए तो क्या हो गया? अरे कोई तुम औरत तो हो नहीं है तो आदमी खाले मैं औरत होता तो भी पकड़ लेता तुमको मैं औरत और जज साहब चौकीदार साहब अरे उन्हीं के हाथ सब कुछ है सुबह सुबह है तो सुबह होगा अभी क्या हो रहा है जितना पूछ रहा हूँ उतना बता अभी नहीं तो लाइटबा को हथकड़ी लगाऊंगा भेजूंगा इसको नहीं नहीं चौकीदार साहब पहले हमारी बात सुनिए डीआईजी तक पहुंचा है आपका ट्रांसफर भी हो सकता है लाइटू का ऐसे मान लीजिए डीआईजी हो चाहे एसपी हो चाहे कलेक्टर के पास
कहूँ छोड़, अरे सस्पेंड हो जाऊंगा, घंटे से सस्पेंड हो जाऊंगा, लेकिन जब तक रहूंगा न्याय करूंगा। साहब, चोर चोरी करता है फिर भी कहता मैं चोरी नहीं किया हूँ, ये हराम खोरिन को आप तत्काल हथकड़ी लगाइए और इसकी पिटाई जब थाने में ले जाकर करेंगे तो सब बता देगी। अबे मैं तेरे कहने पर हथकड़ी लगाऊंगा साहब, अगर आदेश देंगे तब हथकड़ी लगाऊंगा, साले अगर ज्यादा बढ़ के बोला ना तो एक लाठी चबा दूंगा, साले 6 महीना उठ नहीं पाएगा। चौकीदार साहब, इस महिला के हाथ में हथकड़ी लगाओ और थाने में ले चलो, वहां पर ये बयान करेगी। वहां जब महिला पुलिस आएंगे ना, महिला पुलिस को बुलवाएंगे तब इसके तुझको मैं क्या बताऊं, सबसे पहले तुझको हाथ खड़ी हिंसा बताया कहा था या तू चुप रहना, ये कई वाली खाली है, अहमा लगाओ तोहका ले चलब हम डायरेक्ट नैनी। या मेरे मालिक, मैं बच्चों के लिए मैं जा रही हूँ जेल। कहो लौकी भैया, हम हो गए फसावत रहे, अभी सब मालूम हो जाएगा। ए हराम खोर जेल चली गई, अब इसका देवर जो साला विनोदवा है, ये दोनों मिलकर के मेरे बच्चे का खून किया है। मैं घर पर बैठता हूँ, जहां कहीं पर भी होगा ये हराम खोर जरूर आएगा, मैं इससे पूछूंगा कि दोनों मिलकर के मेरे बच्चे का खून क्यों किया। अरे तुम लोग को मैं कमा करके पढ़ाया लिखाया, इतना परेशान हुआ गया, लेकिन फिर भी तुम हमको नहीं हुए। मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूं हराम खोर का।
राज्य के चरणों में छोटे भाई विनोद का प्रणाम स्वीकार है भैया। भैया अच्छी बात क्या भैया, जब मैं आपके पास आया करता था तब मुझे दौड़ करके गले से लगा लेते थे, आज मैंने आपसे प्रणाम किया तो आप मुझे लाश से क्यों मार रहे भैया? आखिर इस भाई से कितनी बड़ी गलती क्या होगी भैया जो इस तरह से आप बेरहमी से मार रहे हैं? विनोद कह रहे हो कि तुम मुझे क्यों लाश से मार रहे हो बड़े भैया? अरे तुझे पढ़ाया लिखा तो मैं यही दिन देखने के लिए पढ़ाया लिखाया। चल इधर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुझे सूझी है क्या बता जाए विनोदवा, तुझे सूझी है क्या बता, देवर भाभी ये मिलकर बच्चे का किया खून है, जा चला जा इसी में तारी भलाई करी, मार कर हड्डी पतली तेरी तोड़। आराम खोर पूछ रहा कि बड़े भैया मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? अरे देवर भाभी मिलकर के मेरे बच्चे का खून कर दिया, तू अपनी मनहूसी शकल लेकर मेरे पास आया है, बोल क्या सफाई देना चाहता है? आप क्या कह रहे बोलते? अरे भैया मेरा बात कुछ भी समझ में आता नहीं, खा कसम भगवान की, अरे मैं कह रहा खून मुन्ने को मैंने किया है नहीं, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं मैं खून नहीं किया हूं भैया, आप इतना बेरहमी से आप मुझे क्यों मार रहे हैं? विनोद तो कह रहा है कि मैं बच्चे का खून नहीं किया हूं, चल इधर इधर चल। तो घर की मर्यादा सब तूने कर दी खत्म, घर में अब होगा गुजारा नहीं, जा चला जा इसी में अरे भलाई करी, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। विनोदवा अपनी मनहूसी शकल लेकर के यहां से चला जा, तेरा इस घर में अब गुजारा नहीं है, मैं तेरी शकल को नहीं देखना चाहता। वाह भैया वाह, जिस भाई के पाल पोस कर इतना बड़ा इतना संज्ञान है कि आज उसी भाई के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा करके मुझे घर से मार के भगाना चाह रहे थे भैया, समझ गया मैं आपकी बात के भैया, आप इसीलिए मुझे मार के भगा रहे हैं ना कि विनोद ये घर छोड़ के चला जाएगा तो सारी जमीन जायदाद सब हमारे नाम होगी ना? अरे भैया मैं तो इसे छोड़ के चला जाता सब ले लेती है, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना बड़ा झूठा कलंक क्यों मुझ पर लगा रहे भैया? ठीक है भैया, अगर इसी बात में घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर कह के जाऊंगा, सुनिए मेरी बात को। Thank you.
भैया मेरा बोल माँ बाप की जिस दिन खुल जाएगी बच्ची अखिल छोड़ के जा रहा हूं भैया, लेकिन जिस दिन हम माता पति माता पिता की खन्नी को जान जाएंगे बहुत पछताएंगे भैया। मलिक मैं तेरे घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरे भैया को मेरी भी उम्र लग गई परमात्मा, जान मेरे भैया रे हमेशा कुदाई रे परमात्मा मेरे कुदाई ओ हराम खोरिन तो जेल चली गई, ये विनोदवा भिसाला यहाँ से घर से छोड़ करके चला गया। अब आज के बाद मैं चल रहा हूँ अपनी माँ के पास कमला रानी के पास, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं अपनी माँ को उस दिन मारा भी था। ये देवर भाभी मिल करके हरामखोर मेरे घर को बर्बाद कर दिए, सबसे पहले अपनी माँ के पास चलता हूँ। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तेरी आवाज देगी, मौत जब तेरी आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तेरी